दोस्तों इस हार्ट ब्रेकिंग वीडियो में एक बच्चा ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है, लेकिन ये अपनी मर्जी से नहीं दौड़ रहा, इसका फादर इस बच्चे को जबरदस्ती दौड़ा रहा है और ऐसा कई महीने तक चलता भी रहा। दोस्तों डिटेल्स बहुत अपसेटिंग है, इसलिए मैं आपको पूरा वीडियो तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जब ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा और ये अपने बच्चे को जबरदस्ती भगाता रहा तो इस 6 साल के बच्चे की मौत हो जाती है। इस बच्चे का नाम कोरी है और इसके पिताजी का नाम क्रिस्टोफर ग्रेगर बताया जा रहा है। ये आदमी अपने बेटे को ट्रेडमिल पर ये कह के दौड़ा रहा है कि तुम बहुत मोटे हो, ट्रेडमिल पर एक्सट्रीम स्पीड बढ़ा देता है, उसका जो इंक्लाइन एंगल है वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बच्चा बार बार गिरता है, लेकिन ये आदमी उसे उठा उठा कर बार बार उस ट्रेडमिल पर रख देता है दौड़ने के लिए, और जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूं कि आपके अपने एज अ पेरेंट्स जो ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, वो अपने बच्चों पर ना थोपें, क्योंकि यही बात हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी कहते हैं और उनके जो दिए हुए लेसन हैं वो भी मैं इस वीडियो में बाद में आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर हम बात करते हैं अपनी और अपनी फैमिली से रिलेटेड, हेल्थ फिटनेस और लाइफस्टाइल से रिलेटेड हरेक मुद्दे के बारे में। तो अमेरिका के न्यूजर्सी शहर में ये कोर्ट में ट्रायल चल रहा है इस बाप का अपने बेटे को दौड़ा दौड़ा के मर्डर करने के ऊपर, और जब कोर्ट रूम में ये वीडियो इस बच्चे की माँ को दिखाया गया तो उस माँ का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। He told me Corey wasn't feeling good. The night he was lethargic and he was throwing up and his legs hurt. Did the defendant tell you where he was taking Corey? He said he was going to the hospital. He was taking Corey to the hospital. बच्चे को जब इंजरी हुई तो मदर के कहने पे उसे क्रिस्टोफर हॉस्पिटल में लेकर गया। सीटी स्कैन हुआ और उसके बाद बच्चा कोलैप्स हो गया। इनिशियल ऑटोप्सी से पता चला कि बच्चे को कार्डियो और लिवर कंट्यूजन्स हुए थे और साथ में हुआ था एक्यूट इन्फ्लेमेशन भी, और इसके कुछ घंटे बाद कोरी की मौत हो गई। डोंट फोर्स योर ड्रीम ऑन योर किड्स। इस केस में क्रिस्टोफर चाहता था कि उसका बेटा अच्छा रनर बने, और इसी तरीके से हमारे भारत में बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के ऊपर अपने सपने थोपना चाहते हैं, फिर वो चाहे स्पोर्ट्स को लेकर हो और चाहे वो करियर को लेकर हो। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बचपन से ही खिलाना शुरू करते हैं इस उम्मीद में कि वो एक बड़े क्रिकेटर या फिर कोई बड़े स्पोर्ट्समैन एक दिन बने। देखिए दोस्तों, स्पोर्ट्स खेलना बहुत अच्छी बात है और मैं ये हमेशा इस चीज को सपोर्ट करता हूं, लेकिन अगर स्पोर्ट्स खेलने से आपके बच्चे को एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, आपके बच्चे की स्ट्रेस रिलीव नहीं हो रही है, उल्टा उसको स्ट्रेस आ रही है कि वो जीत क्यों नहीं पा रहा है, तो वो स्पोर्ट्स खेलने का मकसद ही खत्म हो गया। स्पोर्ट्स खेला जाता है अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए और साथ ही साथ अपनी मेंटल फिटनेस को दुरुस्त रखने के लिए। यहां पर अगर हम अपने बच्चे को बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन बनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो उसमें उसकी बच्चे की रजामंदी है उसका भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे हमने केसेस देखे हैं, जैसे कि विराट कोहली या फिर युवराज सिंह, जो बहुत छोटी एज से क्रिकेट खेलने लगे थे और उसके बाद वो बाद में जाके बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन बने। लेकिन हमारे सामने ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि धोनी वगैरह, जो कि उन्होंने अपने जीवन में बाद में स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया और इस खेल के बहुत हाइट तक पहुंचे। बात कर लेते हैं करियर्स की, कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के ऊपर अपनी सोच कि तुम ये नहीं करोगे, डॉक्टर ही बनोगे या फिर इंजीनियर ही बनोगे, इस तरीके की सोच को थोप देते हैं। और ऐसा ही सवाल एक बच्ची ने टीचर्स डे के दौरान आज से 8 साल पहले मोदी जी से किया था, तो देखिए मोदी जी ने उसका क्या जवाब दिया। देखिए मेरे नसीब में तो वो था नहीं कि शायद मैं अगर स्कूल में क्लार्क भी बन गया होता तो मेरे माँ बाप के लिए वो बड़ा उत्सव होता, उनके लिए ऐसा आनंद होता, वहां चलो बच्चा बड़ा बन गया। तो यहां पर आ जाता है मेरे वीडियो का लेसन नंबर 1, डोंट फोर्स योर ड्रीम्स ऑन योर चिल्ड्रन। आप खुद एज ए पेरेंट इंडिविजुअली किसी भी चीज में अच्छे हो सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो म्यूजिक है या कोई और हॉबी, लेकिन आप अगर ये सोचे कि मेरा बच्चा भी उसी रास्ते पर चले तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि माँ बाप ने अपने सपने अपने बच्चों पर नहीं थोपने चाहिए, और जब आप अपने सपने अपने बच्चों पर थोपते हैं इसका मतलब आप अपने बच्चे को जानते नहीं हैं, न उसकी क्षमता जानते हैं, न उसका स्वभाव जानते हैं। इसका फैसला बच्चों को ही लेने दें और वो अपना पैशन खुद फॉलो करें। अगर आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी है तो आपका बच्चा एक न एक दिन आपका नाम जरूर रोशन करेगा। यहां पर मैं बात करता हूं अपने लेसन नंबर 2 की, और जो कि एज पर मोदी जी है, स्पेंड योर क्वालिटी टाइम विद योर किड्स। अपने बच्चों के साथ एक बेहतर वक्त गुजारें, और इसलिए माँ बाप ने अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, उनसे पूछते रहना चाहिए तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, और जो अच्छा लगता है उसमें उसने मदद करनी चाहिए।
तो सफलता बहुत आसानी से मिलेगी, थोप देने से नहीं मिलेगी। बच्चे स्पेशली टीनेजर्स अपने चारों तरफ के माहौल को देखते हुए बहुत सारे चेंजेस के थ्रू गुजरते हैं और उस एज में उन्हें अपने डिसीजंस का, अपने फैसले का जो रिपरकशन है, जो रिजल्ट है, उसका ज्ञान नहीं होता और ऐसे में जरूरत पड़ती है उन्हें आपकी एज ए पेरेंट। दोस्तों, एक गलत कंपनी, आपके बच्चे की एक गलत साथी उसका जिंदगी भर का फेट, फ्यूचर चेंज कर सकती है, इसलिए बहुत जरूरी है उनके साथ बात करना। और यहाँ पर आ जाता है हमारा लेसन नंबर 3, बी ओपन एंड कैजुअल। यहाँ पर जो मेरे उम्र के लोग हैं वो कहेंगे कि हमारे बाप ने तो हमसे कभी फ्रेंडली मैनर में बात ही नहीं करी थी, लेकिन जमाना बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है और बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे बच्चों को जरूरत होती है किसी के साथ डिस्कस करने की और अगर हम उनके साथ फ्रेंडली नहीं होंगे तो वो हमारे साथ डिस्कस ना करके वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे और उनके फ्रेंड्स उन्हीं की उम्र के हैं, उनको वो फैसले लेने नहीं आते, तो उनको जरूरत है एक फ्रेंडली टच की। दोस्तों, यहां तक मैंने अपने वीडियो में बात कर ली है 3 लेसन्स की। अगर आप मेरे साथ वीडियो में यहां तक बने हुए हैं तो आई एम श्योर कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली कर दीजिए। अगले लेसन की बात कर लेते हैं, वो है पेरेंटल टीचर प्रेशर, रेस फॉर मार्क्स। हर एक पेरेंट या टीचर की एक जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को सिखाएं, मेक देम लर्न, मार्क्स आर सेकेंडरी। मैंने ऐसे बहुत सारे क्लास टॉपर्स देखे हैं जो बाद में जाके अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते और साथ ही साथ में जो उसी क्लास के बैक बेंचर्स हैं दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ। बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि हमें अच्छी चीजें सीखनी है और मार्क्स के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और इसी से निकल के आता है मेरा नेक्स्ट लेसन, नेवर कंपेयर योर किड्स। ये हमारे घरों में एक आम तौर पे ये चीज चलती है कि वो बच्चे ने वैसा किया, तुमने ऐसा नहीं किया, इससे बच्चा इमोशनली वीक हो जाता है। सोचिए अगर आपका बच्चा आपको दूसरे बच्चों के पेरेंट्स के साथ कंपेयर करने लगे तो आपको कैसा लगेगा, इसलिए जरूरत है उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आज के आखिरी लेसन पर, टीच वैल्यूज टू योर किड्स। दोस्तों, बच्चों को एनकरेज करना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और उस एनकरेजमेंट के लिए चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल ना देखे, स्क्रीन ना देखे, तो वो सबसे पहले आपको खुद अपने ऊपर करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हेल्दी फूड खाए, जंक फूड ना खाए, तो वो सबसे पहले आपको अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वीडियो होता है खत्म। उम्मीद आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।